नहीं, उसने एक वर्ड कहा कि किसी का मतलब किसी का सच किसी का झूठ सामने लाना चाहता है। क्या सामने लाना चाहता है? देख भाई, मैं तो बोलूंगा, तू भी होगा रिलेशन में, मैं नहीं ये सब चीजों पे करता हूँ, लेकिन मैं तो किसी भी पर्सन को बोलता हूँ कि अगर जो पर्सन इस तरीका से बात करे तो प्लीज या रिलेशन ना रखो तो बेटर रहेगा। इंजॉय करो, मस्ती करो, बाद की बात है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, फ्रेंडशिप अच्छी चीज है बस। जो बात है अब चला। और देख क्वीन, तूने जो भी मेरे बारे में अभी तूने सोचा होगा उसके बारे में बोला। इस बार मैं यार किसी के बारे में नहीं बोलता सोशल ऐप पे, मैं सिर्फ ओनली फ्रेंडशिप करता हूँ, इंजॉय करता हूँ। तुझे पता है मैं 1 मंथ से हूँ, समथिंग 1 मंथ हो गया होगा। अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनाना होता ना तो कब का बना लिया होता, लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे पता है यार ये सब चीजों पे कितना है नहीं, बट मस्ती करो यही काफी है कि नहीं भाई अरे वो तो है सर? ही नहीं। हाँ डेविल क्वीन ने कहा वेट जाना मत, लाइक वो बिजी है शायद। हाँ जो भी हो, बट यार मैं तो सीधे बोलता हूँ, मैं किसी के बारे में किसी को जज नहीं करता, ठीक है? और मैं यहाँ आता हूँ सिर्फ ग्रेड ही खेलने और यार यहाँ मस्ती करने मस्ती आता हूँ। करने के लिए इंसान आते हैं बस। मैं भी मस्ती करने के लिए आया था। एक फ्रेंड है मेरी जिससे मैं बात करता हूँ, इसे नॉर्मली इसे होता नहीं है कि हर वक्त इंसान फ्री नहीं होता है, कभी कभी फ्री होता है तो 5-10 मिनट किसी से बात कर लेता है। उसमें भी एक बंदे ने मेरे को आज कमेंट किया, कल नाइट में जब मैं जॉब पे जा रहा था उसी टाइम पे मैं गया वहाँ पे उसके भाई पीछे। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है, मेरे को बहुत जगह से गालियां पड़ी इसके चक्कर में, पता है क्यों? क्योंकि मैं उनकी आईडी की ऐसी की तैसी कर दी, आईडी खाया बहुत, इसके चक्कर में मुझे काफी गालियां भी मैंने पड़ी। लेकिन लोग कितना कल बोलते थे, लोग कल पता है क्या? शाम टाइम हाँ मेरे को कमेंट किया कि भाई किसी के पीछे पीछे क्यों जाता है। मैंने बोला हद यार, एक तो मैं एक मुझे सब लोगों को फॉलो करना इसलिए पड़ा क्योंकि मेरी आईडी अदर कंट्री है, ठीक है? तो मेरी हाँ कंट्री कहाँ से? में पाकिस्तान से हो इंडियन, गया? नहीं, मैं सऊदी में हूँ फिलहाल अभी, तो मेरी कंट्री में इंडियन लोग नहीं मिल पाते हैं ना, इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा लोगों को फॉलो करना पड़ा जिनको मैं जानता हूँ, जिनको नहीं जानता सबको। हाँ पहले सुन लो इधर अब यार। भाई मेरे भाई, इट्स नी 1 मिनट, जो ओके मैं तुझे बस दो बात बोलूंगी, ठीक है ना? मैं बहस तो okay. बिल्कुल नहीं करूंगी तेरे साथ। पहली बात, तुझे इतना पता है मैं किस लिए उस बंदे को हमारे ब्रॉड पे अलाउ करती हूँ? उस तुझे क्या नहीं लगता मेरी है उस बात सुनो, मैं बंदे बता को रहा हूँ ना, ग्रुप में शामिल करो, क्या शामिल करो मेरे को पता नहीं, आई मेरे डोंट नो, को आइडिया नहीं तुझे मेरे को। पता है, तुझे कुछ भी पता है मैं किस लिए उस बंदे को यहाँ पर अलाउड कर रही हूँ? तुझे नहीं पता ना? तुझे पता है उसके उसके जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर पहले ही हम लोग चैट लगा चुके हैं, और उसकी आईडी बैंड भी करने वाले, स्पेशली गवर्नमेंट से। मुझे अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम और लोग मैं कैप्टन वेलकम, बस हम जस्ट इंफॉर्मेशन लेते थे उससे, ट्रस्ट मी। हम तुझे मैं दिखाऊंगी भी, शायद तुझे यकीन नहीं होगा, और अदरवाइज डेविल किंग, राइट? तुझे पता है डेविल किंग किस लिए, किस रीजन के लिए मेरे साथ था, या किस रीजन के लिए वो यार डेविल किंग मुझे नहीं क्या था? पागल, मुझे उससे मुझे क्या पता प्रॉब्लम भी है नहीं है, यार, मुझे पता भी हद नहीं है, बट एक चीज बहुत दे। अच्छा हुआ, क्या पता है ना, चिराग, क्या तेरा असली चेहरा ना मुझे दिख गया, बेस्ट फ्रेंड वाला। जिस असली दिन तो तूने डेविल किंग देखा उस दिन से यार भाई तुम बाहर में जाओ, तेरी दोस्ती वही तक थी, तूने इतना सोच के रखा था भाई मैं रिलेशन वाले के साथ अच्छी फ्रेंडशिप नहीं रखता, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं, पता है तो आज ना मैंने कल, देखो ये वाला चेहरा था ना तेरा, आज आज अपना आज पर्सन ना, मैं नहीं देखना तो चाहता, मुझे मैं ना नहीं चाहता कि, देखो हमारा फ्रेंड आगे चल के बदनाम हो, ठीक है? जो बात है सीरियसली, अभी इतनी मेरी हिम्मत नहीं है, ठीक है ना? सुन ले हाँ चिराग, जो मेरी डीपी और मेरी नंबर को वायरल करेगा ना, उसका सबसे पहले फोन टर्बुलेंस पे जाएगा, 2 दिन रहेगा ना, अपने आप सब कुछ निकल आएगी, ठीक? इतनी हिम्मत ना किसी में नहीं है, लोकल अरे पुलिस स्टेशन पे यार, बुलानी अरे चाहिए यार, उसको। अरे मेरी बात सुनो, मैं सीधा बोलता हूँ तुम्हें, अगर डेविल क्वीन लेकिन अच्छा भाई लगे तो तुझे ठीक है, सीधा नहीं तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, मैं बहस तो बिल्कुल नहीं करूंगी तेरे साथ। क्यों पता है ना, क्यों पता है ना चिराग? क्योंकि मुझे ऐसे किसी दोस्त से बात नहीं करना जो सिर्फ वही रिलेशनशिप के पहले से मतलब रखे, तो फिर इतने बड़े बड़े वादे क्यों भाई? तुझे नहीं पता मैं पूरी लाइफ टाइम तेरा साथ दूंगा, मेरी लाइफ टाइम बेस्ट फ्रेंड है, बाहर में गया ना, लाइफ अरे टाइम की बेस्ट यार हद फ्रेंड, है, तेरे लिए तुम्हारे मैं पास कहीं टाइम होता है, अपनी तुम्हारे पास टाइम होता है क्या, भाई, तो फिर तुम्हारे तो पास तूने टाइम क्या होता सोचा है क्या? कहते, वो तूने सोचा कहते जो मेरा, अगर वही मेरा कोई बंदा होगा मैं उसको टाइम दे पाऊंगी? मैं इतने दिन हाँ रिलेशनशिप में नहीं आती तो तुझे क्या लगता है मैं उसको टाइम दे पाऊंगी? इतना फुर्सत मिल जाता है मुझे, नहीं यार मेरी बात सुनो, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ही कहना, देखो तुम्हारी लाइफ है, बहस क्यों तुम्हारी करेगा? रोल है, ठीक अच्छी है? बातें कर रही हूँ, सही बातें कर रही हूँ, बहस क्यों करेगा आपको? तू हाँ तो बस की किसी बात दोस्त नहीं है, का ना,
कुछ भी बोलता अरे है मेरी सारे सौदा सोच दिया कर तुझे तो क्या बोल रहा है। अरे मेरी बात बोला नहीं पाएगा ना, मत बोला कर। तुझे क्या लगता है तेरा कोई गर्लफ्रेंड बनता है? लेकिन ना तेरा कोई गर्लफ्रेंड बनता है मैं कभी तो बात नहीं करती। तेरे लिए क्यों रिया के पास में गई थी? मैं तो रिया मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड थी? क्या हद है, कुछ भी हो कुछ भी हो, तुझे क्यों हेल्प कर रही थी? मैं स्टूपिड इंसान तो नहीं हूँ ना। तुझे क्या लगा मैं बोल रही हूँ ना, तुझे यही लगा कि जो मेरा भी गर्लफ्रेंड बनेगा ये शायद मुझे छोड़ देगी, बट तू रॉन्ग है ना। तूने जब मुझे ये चीज बोला है मुझे नहीं पता था तू लाइफ टाइम फ्रेंडशिप नहीं निभाएगा, बट मुझे तो चाहिए था यार, मुझे तो मैंने तो निभाती यार। मैंने पहले बोला था ना मेरी बात सुनो बहुत दूर की बात है रिलेशनशिप में आए कब आएगी मेरे को तो पता भी नहीं चला था। मेरे को तो जाट बोला कि चिराग और रिलेशनशिप में आएगी, मुझे को नहीं पता। जाट ने जब तेरे बारे में बोला था तो मेरे पास आया था, उसी जाट ने मेरे बारे में बोला तो तुझे पता लग गया ना। उसने उस लोगों ने क्या किया, मैं तेरे को बोल रही हूँ ना, उस लोगों ने क्या किया बस मेरे रखने का और तेरे अंदर झगड़ा लगाने की कोशिश की। मैंने जज सर को पूछा भी था, मैं बोलना भूल गई तुझे मिला नहीं। जज सर ने मेरे सामने सरासर बोला, संस्कारी सर ने ये भी बोला मैं चिराग के घर में घुस के उसको मारूंगा। उसने ऐसी बात संस्कारी ओए संस्कारी कैसा हमारे पास नौकर रहता है ठीक है, वो मेरे को क्या मारेगा? मैं उसको सामने बोला हूँ है मेरे 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 जैसा, अगर उसके पास है हिम्मत तो बैठे मेरे साथ, यहाँ बैठेगा इवेंट में, उसके पूरे खानदान को बोलता हूँ बैठेगा, चैलेंज ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, बैठेगा मेरे से इवेंट में बैठ के दिखाए है उसके अंदर पावर, चाहे उसके जितने भी टट्टे हैं वो पूरे ग्रुप बना ले अपना, जितने उसके ग्रुप में है जाट वाट वो सब बैठेगा क्या? मैं एलेक्स को बोला था तेरे को खड़े खड़े खरीद दूंगा, एलेक्स उसका फ्रेंड है सबके सामने बोला था ऑन द ब्रॉड, बोल तेरी कीमत कितनी है।